अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल आखिर ये आज के पासपोर्ट हैं हमारे, तकरीबन 17 पासपोर्ट हैं। चाइना एम्बेसी में तकरीबन क्लोज हो रहा है हमारा अब, और बस एक दोस्त रहते थे जिनकी वजह से आना हो रहा है। हमारे ट्रेवल बड़ी हैं, मैं दिखाता हूँ जी। सजाद भाई कैसे मिजाज है? जनाब कैसे हैं? ठीक हैं। सजाद भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे, हमने ज़्यादातर जो सफ़र है वो एक साथ ही किया है बहुत सारे ममालिक में, और सजाद भाई को अक्सर अवकात में फॉलो भी करता हूँ। कहीं जाना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक साथ जाएं, और अब मेरा और सजाद भाई का काफ़ी सारे मोर देन मेरे ख्याल 15-18 कंट्री हम लोगों ने साथ में की है, और अब चाइना भी इंशाल्लाह हम लोग साथ में जाएंगे। ये सबको तो ग्रुप में भेजेंगे, मैं सजाद भाई इंशाल्लाह अलग से जाएंगे, और दोस्त लोग तो कह रहे हैं कि यार साथ में चलें, लेकिन मैंने कहा है कि यार आप लोग पहुँचे, मैं और सजाद भाई इंशाल्लाह आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। सही, हम लोग और बहुत सुख करेंगे क्योंकि इन लोगों ने एक या दो मुल्क करने, और मैं और सजाद भाई तकरीबन 8-10 मुल्कों के बारे में सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पे जो पेशरफ्त होती है फिर मैं वो शेयर करता हूँ। बाकी ग्रुप हमारे जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आप अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो बड़े आराम से आसानी के साथ बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि यार चाइना क्या तंग करता है एयरपोर्ट पर, तो देखें चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हर मुल्क सवाल जवाब तो करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि अगर आप ओमान में आए या कहीं भी आए तो 2-4 सवाल हो ही जाते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये सवाल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, इंडोनेशिया जैसा मुल्क भी नहीं छोड़ता पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, सवाल जवाब हर मुल्क का करना हक है, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा है, चीज़ें पूरी हैं, इन्विटेशन है, बायर बैज है, सारी चीज़ें पूरी हैं आपके पास, होटल बुकिंग हर चीज़ आपके मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। होता ये है कि हर बंदे के पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, और जो भी आपका एजेंट है या जो भी कंसल्टेंट है उससे आप बात करेंगे, सारी चीज़ें लेके जाएं, कहीं भी आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो मज़ीद लंबी हो, मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, और मुझे खुश रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।